हे गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड मिला है और आप उसका एटीएम पिन बनाना चाहते हैं खुद से घर बैठे, तब इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप घर बैठे एटीएम पिन नहीं बना सकते हैं, आपको एक बार एटीएम मशीन पर विजिट करना ही पड़ेगा। तो गाइज, सबसे पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं। जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन पर विजिट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा, वेलकम पेज आएगा, वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो सबसे पहले आपको अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट करना है। तो आप अपना एटीएम कार्ड ओपन कीजिए और आप अपने एटीएम कार्ड में देखिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक चिप मिलेगा और यहाँ पर आपके कार्ड का नेम आएगा कि आपका कार्ड कौन सा कंपनी का है, वीज़ा, मास्टर या रुपये का। तो ये जो चिप है, ये चिप इसके अंदर में जाना चाहिए, और ये जो है वीज़ा, यहाँ पर आपको अपना पकड़ना है एटीएम कार्ड। आपको अपने दो फिंगर से यहाँ पर इसको एटीएम कार्ड को इस तरह से पकड़ना है, और आपको अपना एटीएम कार्ड जो है एटीएम मशीन में इस तरह से इंसर्ट करना है, जिसके आप इसको इस इमेज को अच्छे से देखिए। आपको ये चिप अंदर में डालना है और ये जो वीज़ा का लोगो है यहाँ पर आपको पकड़ के आपको अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट करना है। गाइस, एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट करने के बाद जो है, कभी कभी आपका कार्ड तुरंत ही निकल जाती है, अगर आप उसको पुश करेंगे तो वो कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एटीएम ऐसे होते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने के बाद आपका कार्ड निकलेगा, जब तक आपका ट्रांजेक्शन अंडर प्रोसेस रहेगा तब तक आप अपना कार्ड को निकाल नहीं सकते हो। तो अगर आपका कार्ड निकल जाता है तो आप उसको निकाल लीजिएगा, अगर नहीं निकलता तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। ओके, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद जो है एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, कृपया अपना भाषा चयन करें, प्लीज़ सेलेक्ट योर लैंग्वेज। तो आप इंग्लिश में क्लिक कीजिए। आपकी एटीएम मशीन में यहाँ पर एक बटन होगा, तो आप इस बटन में क्लिक कीजिए। किसी किसी एटीएम मशीन में स्क्रीन टच होते हैं तो आप इंग्लिश में क्लिक कीजिए, वैसे यहाँ पर हम इस बटन में क्लिक करते हैं। वैसे ज़्यादातर एटीएम मशीन में बटन सिस्टम ही होते हैं, तो आप इस बटन में क्लिक कीजिएगा। जब आप इस बटन में क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाते हैं, सेलेक्ट प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी आपको अपना एटीएम पिन बनाना है फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेट रीजनरेट पिन में। तो अभी आप इस वाले बटन में क्लिक कीजिए। जब आप इस बटन में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इंटर योर 14-डिजिट अकाउंट नंबर। तो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एटीएम मशीन पर विजिट करने से पहले आपको अपना पासबुक आपको साथ में ले जाना है एटीएम मशीन पर, क्योंकि जब आपका अकाउंट नंबर पूछेगा तो आप अपना सही सही अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर कर सको। तो आप अपने पासबुक से देख देख के आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिए। नीचे में आपको एक कीबोर्ड मिल जाते हैं, तो आप इस कीबोर्ड के सहायता से जो है, जैसे कि आप इस कीबोर्ड में देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और कैंसिल, क्लियर क्लियर और इंटर का बटन मिल जाते हैं। तो अगर आप अकाउंट नंबर टाइप करते हैं और आपसे कुछ मिस्टेक हो जाते हैं अकाउंट नंबर टाइप करते वक्त, तो आप यहाँ पर क्लियर के बटन में, ये जो क्लियर का बटन है, आप क्लियर के बटन में क्लिक करके आप उसको हटा सकते हैं और आप अपना अकाउंट नंबर फिर से री एंटर कर सकते हैं। तो आप अपना सही सही से अकाउंट नंबर इंटर कर दीजिए, और अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आप करेक्ट में क्लिक कर दीजिए। करेक्ट में क्लिक करने के बाद जो है एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, री एंटर योर 14-डिजिट अकाउंट नंबर। तो आप अपना अकाउंट नंबर फिर से इंटर कर दीजिए, और फिर से इंटर करने के बाद आप करेक्ट में क्लिक कर दीजिए। करेक्ट में क्लिक करने के बाद जो है कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस प्लीज वेट। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, और वेट करने के बाद जो है एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, प्लीज़ इंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर आपको ले जाना है बैंक एटीएम मशीन पे। जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वो मोबाइल आपको साथ में ले जाना है एटीएम मशीन पे। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिए जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। तो मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जो है कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, तो आप प्रेस सिर्फ करेक्ट में क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर टाइप करके प्रेस सिर्फ करेक्ट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा, तो आप उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना ओटीपी इंटर कर दी है। जब आप ओटीपी इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना ओटीपी टाइप करके यहाँ पर प्रेस सिर्फ करेक्ट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा, प्लीज़ वेट ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद जो है उसके बाद जो है आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, प्लीज़ इंटर न्यू पिन। तो अभी आप अपने मन से यहाँ पर 4 डिजिट का कोई पिन टाइप कर दीजिए।
यही आपका एटीएम पिन बन जाएगा। जब भी आप कैश विड्रॉल करेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो ये पिन आपको हमेशा टाइप करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने मन से कोई 4 डिजिट का एटीएम पिन इंटर कर दीजिए, यही आपका परमानेंट एटीएम पिन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 4444। ओके, तो जब आप एटीएम पिन टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक नया पेज ओपन हो जाएगा। प्लीज़ रीएंटर न्यू पिन। तो अभी जो पिन आप टाइप किए हैं 1-2 सेकेंड पहले, वही पिन आप फिर से यहाँ पर टाइप कर दीजिए। और पिन टाइप करने के बाद जो ऑटोमेटिकली एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आप ये देख सकते हैं, प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इज बिंग प्रोसीड। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, और वेट करने के बाद जो है आपका एटीएम पिन सक्सेसफुली बन जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं एटीएम पिन चेंज्ड सक्सेसफुली। तो अब आपका एटीएम पिन सक्सेसफुली बन चुके हैं, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एटीएम पिन बन जाने के बाद आप जो अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट किए थे, आप अपना कार्ड यहाँ से निकाल लीजिए। गज आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम पिन कैसे बनाना है। मैंने आपको बहुत ही इजी स्टेप में बताया है कि आप एटीएम पिन कैसे बना सकते हो फर्स्ट टाइम। अगर आप ये जानना चाहते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पिन से, एटीएम मशीन से फर्स्ट टाइम कैश कैसे निकालते हैं, कैश विड्रॉल कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो गज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।